नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान है इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि लूसेंट का बुक हर कोई ख़रीद लेता है और 2 से 4 दिन पढ़ता है और कुछ भी याद नहीं होता है। फिर क्या करता है, उस बुक को रख देता है, बोलता है कि समझे में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो आखिर इस बुक को कैसे पढ़ेंगे कि याद होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है अगर जीके जीएस पूछ रहा है तो 80% इसी बुक से पूछता है। इस बुक को जनरल कंपटीशन का रामबाण बोला जाता है। इस बुक का जनरल कंपटीशन में बहुत महत्व है। जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अब किसी भी बच्चा के पास जाइएगा तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान हर हाल में रहता ही है। लेकिन आदमी क्या करता है, 2 से 4 दिन लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ता है, उसके बाद इस बुक को पढ़ना छोड़ देता है, उब जाता है कि इस बुक को कैसे पढ़ें। आज हम बताने जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट बात बताने जा रहे हैं कि इस बुक को कैसे पढ़ना है। आप मात्र उस नियम को 2 दिन लगा कर देखिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं करना है। लेकिन मेरा भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, 2 दिन अप्लाई जरूर करना है। मान लीजिए ये आपका लूसेंट का बुक हो गया, इसमें हो गया इतिहास, हो गया भूगोल, हो गया राजनीतिक शास्त्र, हो गया अर्थशास्त्र, हो गया भौतिकी, हो गया रसायन शास्त्र, हो गया जीव विज्ञान, हो गया स्टैटिक जीके, हो गया कंप्यूटर, हो गया इतना चीज़ दिया है, यानी कि जीके जीएस का हर चीज़ दिया रहता है। क्या करना है कि जैसे इतिहास ही पढ़ना है तो मान लीजिए इतिहास चालू कीजिए पढ़ना और एक नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बढ़ाना है, एक जिस्ता पेपर खरीद लेना है ऐसे व्हाइट वाला, और इस जिस्ता पेपर पे जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसका ये नोट्स लिखकर ऐसे तीर का निशान देखकर उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है इतिहास का। ठीक, जो चीज़ नहीं जानते हैं तीर का निशान देकर लिखना है। मान लीजिए आप 10 चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 चीज़ आप जानते हैं 5 से 7 और 3 से 4 चीज़ नहीं जानते हैं। और जब बुक उठाइएगा आप वही 3 से 4 चीज़ नहीं जानते हैं तो उस 3 से 4 चीज़ का कन्फ्यूज़न दूर भी करेंगे, वैसा ही नोट्स बनाकर इतिहास को पढ़ेंगे और एक एक करके लिख लेंगे। और लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, अगर 2 घंटा इतिहास पढ़िए तो 2 घंटा फिजिक्स पढ़िए डेली। ये नहीं कि 2 घंटा इतिहास भूगोल सब एक दिन 8 घंटा केवल यही सोशल साइंस पढ़ दिया, साइंस छुए भी नहीं। 2 घंटा सोशल साइंस पढ़ना है तो 2 घंटा साइंस पढ़ना है। और ये जो इतिहास है, ये जो आपका लूसेंट का बुक है, इतिहास 54 से 55 मतलब पेज में दिया रहता है। अगर आप डेली 2 घंटा में 7 से 8 पेज पढ़ते हैं और ऐसा नोट बनाकर आप 2 से 3 पेज लिखते हैं तो आपका 8 दिन में इतिहास ख़त्म होगा। वैसा ही भौतिकी का भी करना है, नोट बना लेना है और ऐसा ही जिस्ता पेपर को खरीद लेना है और एक एक नोट को तीर का निशान देकर जो नहीं जानते हैं उसको लिखते जाना है। एकदम रामबाण आपके लिए साबित होगा, इस बात को आप मानिए। 2 दिन ट्राई करके ज़रूर देखना है। और लूसेंट पढ़ने का इससे अच्छा टेक्निक कोई नहीं हो सकता है। जब ये 2-2 घंटा में यानी कि 4 घंटा आप डेली पढ़ते हैं तो 2 महीना में आपका लूसेंट, 2 मंथ में आपका लूसेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, जब ये 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा तो लूसेंट का आप 60 से 70% जान जाइएगा। फिर उसको रिवीजन कीजिएगा तो 5% जानिएगा, फिर रिवीजन कीजिएगा तो 5% जानिएगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लूसेंट का 100% ही जान जाइएगा, लेकिन लूसेंट का पढ़ने का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्निक है। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़िए उसको नोट्स बनाकर लिखिए ज़रूर, और लिख लीजिए और अगला दिन जब पढ़ने चलिए तो क्या कीजिए, जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को 10 मिनट पढ़ लेना है कि कल पीछे जो पढ़े उसमें से क्या क्या हमको याद नहीं है। फिर अगला चीज़ पढ़ना चालू कीजिए, लिखना चालू कीजिए। अगर ऐसे ही पढ़ते हैं तो आपका लूसेंट का बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,
अगला वीडियो में हम अब आपको बताएंगे एसपीडी कैसे पढ़ना है और जीके जीएस में कैसे सेट प्रैक्टिस करना है। जो भाई इस चैनल पर नए हैं, एक बार अपने भाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।